व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफ़ी अच्छे होंगे जी। शुक्र अल्लाह का, हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और सितवा के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, हम भी ठीक। अल्लाह ताला आप और हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हमारी दुख तकलीफ को अल्लाह ताला दूर फरमाए और हमें बुरी शोबतों से बचाए, अपने घरों में सुकून से रहने की तौफीक दे। तो जी हम जल्दी जल्दी वीडियो बनाते हैं क्योंकि बेबी हमारा रोना शुरू हो जाता है। इस वजह से फिर हम कहते हैं जो वक्त थोड़ा सा मिला है उसमें जल्दी से हम अपनी बात कर ले जो हमने करनी है। तो मैं वीडियो भी देख रही थी जिसमें जो जोहा ब्यूटी ब्यूटिशियन है उन्होंने अभी सितारा के चाचा जी को नंगा किया। मैं तो हैरान हो गई, अल्लाह ताला माफ़ करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब पे अपना खास करम करे, हमारे पर्दों को सलामत रखे। बकार बलोच कहता होता है कि तिया भैने के पर्दे अल्लाह ताला सलामत रखे जी, बिल्कुल मर्दों के भी अल्लाह ताला पर्दे सलामत रखे। तो चाचा जी जो हैं अच्छी भली उम्र के बंदे हैं जो इनके साथ फिर रहे होते हैं। वो चाचा जी जो हैं उनका नाम मेरा इसनवर है। मेरी उम्र है 54 साल, तो लेकिन ये है कि हम लोग अपने आप को बहुत बूढ़ों में शुमार करते हैं भाई। अब हमारे बच्चे जवान हो गए हैं, माशाल्लाह नवासियाँ हो गई, नवासा हो गया, हम तो बूढ़े बंदे हो गए। क्योंकि आपकी जो उम्र है ना वो आपके साथ बहुत मैटर करती है। तो वो बाबा जी की उन्होंने तस्वीरें देखी, वो बड़ा उछल रहा था। उसने सलमा का साथ छोड़ के सितारा का साथ दिया तो पता चल गया क्यों दिया, कि अभी वो भी यंग लड़कियां बच्चियां जो बेटियों जितनी थी उनके साथ बड़े गुलछर्रे उड़ा रहे थे, उनको जपियाँ डाल डाल के तो वीडियो बना रहे। मुझे नहीं समझ आती कि खुद बनाते हैं या इनकी वीडियो इनके रिश्तेदार बनाते हैं। तो इनके रिश्तेदारों ने इनको जलील किया, तो वही दिखा रही थी कि आपने क्यों उनका साथ दिया है सारा का। इनको अल्लाह ताला ने अगर इनको पैसा दे दिया तो इन्होंने इस साइड ही लगाना है। अल्लाह ताला ने और बड़े काम रखे हैं, हज कर लें, उमरा कर लें, कोई किसी गरीब की बेटी की शादी कर दें, किसी गरीब के काम आ दें, किसी के घर का चूल्हा जला दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम लोगों को दे दिया है रिज़्क, जिस तरह से सितारा की वजह से तुम लोगों के चूल्हे जल गए हैं। वैसे तो ये गांव से बहुत पीछे से गरीब हैं, देखें अल्लाह ताला माफ़ करे, हम भी अमीर तो नहीं हैं लेकिन कच्चे घर हैं जिस तरह लकड़ियाँ जलाते हैं। तो अल्लाह ताला ने अगर दे दिया है तो इसको अच्छे तरीके से लगा लें, ना कि लड़के लड़कियों के साथ, आदमी लड़कियों के साथ फिरें और औरतें जो है वो मर्दों के साथ फिरें। अल्लाह ताला माफ़ करे जी, माफ़ करे। और एक नया टॉपिक छिड़ा जी, जाद हुसैन जा रहे हैं सऊदी अरब में देखने के लिए, उनको बहुत शौक चढ़ गया है। उन्होंने सितारा की और जो है जो पैसे हैं वो लगाने भी तो जी हैं। वो रईस असगर की जो तस्वीरें देखने, उनकी वीडियोस देखने जा रहे हैं। हालांकि इनको दिखाने दी क्यों नहीं, उन्होंने कोई नहीं है, क्योंकि जो बंदा खुद ये किसी की बात। तो जैसा कि हमने अपनी लाइव में रात को नूर सिस्टर मैं थी, अमरीन थी, नूर सिस्टर थी, तो हमने यही बात की कि एक बंदे को सबूत देंगे तो वो मान जाएगा तो फिर दूसरों का क्या करना, इसलिए सबूत देने की ज़रूरत ही नहीं है। जब उसकी बीवी ने सबूत दे दिया, कोई मान रहा माने, नहीं माना तो ना सही। वो मैंने और भी लाइवों में सुना तो उन्होंने कहा कि इस तारा के 8.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, तो इतने जो व्यूज़ आते किस किस को आप देंगे, वो जो है क्या कैसे हैं सबूत, इसलिए किसको देने की ज़रूरत नहीं। कोई मानता माने, नहीं मानता तो ना सही। ये गाली गलौज देता तो अल्लाह ताला ने नले पे दला रखा हुआ, कुछ नहीं होता। एक ना एक दिन रस्सियाँ खिंच जाती हैं हर इंसान की, वो जितना मर्जी शातर बन ले, चलाक बन ले, भाग दौड़ कर ले, लेकिन एक वक्त आता है जब अल्लाह पाक की पकड़ में इंसान आता है और नेले पे दला ज़रूर रखा हुआ। तो उधर मैं बात करूँगी अलीवीर की फैमिली की। तो जिस तरह हुमैरा के कल रिपोर्ट दे के बड़े परेशान हो रहे थे, तो पता चला जी उसको अपेंडिक्स का बताया गया है। और एक नई बात मैंने सुनी है कि उनकी भाभी जो आसिया, वो कह रही है कि एक बंदे को अगर फैमिली में हो अपेंडिक्स तो सारी फैमिली को होती है, हमारी भी पूरी फैमिली को ही है। इधर मेरा को, जावेद को और प्याज की तबीयत बहुत ख़राब है। वैसे मैंने ऐसा सीन नहीं कोई सुना, क्योंकि हम 10 बहन भाई हैं और एक भाई का हुआ। हाँ जी, एक भाई का हुआ। तकरीबन 8 साल हो गए इस बात को ना, ऑपरेशन हुआ था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम लोग ठीक है। अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और ये बात ऐसी ना हो, क्योंकि अगर एक बंदे को बीमारी हो तो सबको, ये अपेंडिक्स सबको होती है, लेकिन ये है कि इसकी तकलीफ किसी किसी को होती है और ये ख़तरनाक चीज़ है, इसका ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो दूसरा मैं बात करूँगी कि आजकल ये जुवेद भी अपनी बीवी से लड़ रहा है, और उधर जो अलीवीर की भतीजी है अब्बास की बीवी, वो भी उसको इतना जलील कर रहा है। और वो कल तो एक छत पे खड़ी होकर छलांग लगाने लगी थी, जिस तरह पहले हुमैरा छलांगे लगा रही थी, अब देखें वो छलांग तो लगा रही थी। से इन्होंने भी अब घर बनाना, इसलिए ये ऐसा कुछ टॉपिक चल गया है। तो अब पता नहीं वो सही लड़ाई में छलांगे लगा रही है कि ऐसे ही कर रहे हैं, अल्लाह ताला ही सही बेहतर जानता है कि क्या सही है क्या गलत है। बाकी बीमारी का कोई बंदा झूठ नहीं बोलता, हुमैरा सही में बीमार होगी तो अलीवीर ने बताया। तो अल्लाह ताला सबको जी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, हमें भी आपको भी, कोई भी बीमार है शिफाए कामला दे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
इस प्यारे महीने के सदके घरों में अस्पतालों में सब पे अल्लाह पाक रहम फरमाए और जो बड़ी बड़ी बीमारियाँ उनसे भी अल्लाह ताला सबको निजात दें। तो अब इनके घर की देखें, अब वीडियो देख रहे हैं, अब आवाज़ जीतता है कि वो जो इनका पंजाबी वीर जावेद वो जीता, क्योंकि जिस तरह फियाद का घर बना है वो दोनों भी कह रही हैं हमें भी अच्छे से घर बना के दें। तो अब देखें अब किसकी लड़ाई जो है कामयाब होती है और किसको अल्लाह ताला घर का खजाना देता है। तो मैं कह रही थी परी के मामा से हम भी लड़ाई करते हैं हम भी अपने दो ग्रुपों में हो जाते हैं, चलो कम से कम हमारे चैनल तो चलेंगे ना, तुझे भी घर बनाना है तो लड़ाई कर कर आके चलो तुझे भी अल्लाह ताला घर बना इसी तरीके अल्लाह ताला हदायत है। लेकिन अल्लाह और आप बताएं आप क्या करना चाहिए आपके पांच नवासियों के बाद नवासा वह कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा इंशाल्लाह ताला 40 डेज के बाद हम अपना बेबी आपको दिखाएंगे, हम छुपाएंगे नहीं। जिस तरह लोग कहते हैं जी दो दो तीन तीन दिन बताते नहीं है लड़की या लड़का है, आपको पता है जी हम सीधे साधे बंदे हैं, हमारा जब बेबी हुआ हमने उसी वक्त बता दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाखों करोड़ों शुक्र, ये हमारा बेबी बहुत लाडला है। वैसे तो सारे ही बच्चे लाडले होते हैं, बेटियाँ बेटे। हाँ जी ये भी बेबी है। तो जी ये पाँच बहनों के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ये बेटा दिया है। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला नुमान को और सोनिया को भी बेटे दे, बिल्कुल जी सबकी कमियां दूर फरमाए अल्लाह ताला। तो जी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।